आज ग्रेप्तार होते पारें दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्लीर मुख्यमंत्री के निये विस्फोरक दाबी आपे। बुधवार मध्यरात थेके सरगरम राजधानी राजनैतिक महल। एकेर पर एक आप नेतार विस्फोरक पोस्ट। बृहस्पतिवार दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाड़ीते हाना देबे ईडी। ग्रेप्तार करा होते पारे केजरीवाल के। आप नेतादेर एई दाबीर परेई चांचल्य छड़िएछे। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर लें ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। बुधवार ईडी दफ्तरे हाना देवार कथा छिलो दिल्लीर मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। दिल्लीर आबगारी दुर्नीति निये जिज्ञासाबादेर जन्नोई समन पाठानो हयेछिलो केजरीवाल के, किन्तु गत दुबारेर मतो एबारो तिनी समन एड़िये जान। तदन्तेर सहयोगितार आश्वास दिलेओ ईडीर पाठानो समन बेआईनी बोले दाबी करेन केजरीवाल। एदिके बारंबार समन एड़ानोर परई जल्पना शोना गियेछिलो जे एबार केजरीवालेर बिरुद्धे आदालते जेते पारे ईडी। तदन्ते असहयोगितार अभियोगे तार बिरुद्धे जामिन अयोग्य धारायग्रेप्तारी परवाना जारी करा होते पारे। आर राते सेई जल्पनाय उसके दें दिल्लीर मंत्री अतिशी एवं सौरभ भारद्वाज। रात 11:50 मिनिट नागाद आप नेत्री अतिशी पोस्ट करें, खबर पाच्छी जे आगामीकाल अरविंद केजरीवाल बाड़ीते हाना देबे ईडी, ग्रेप्तार होते पारें केजरीवाल। एर ठीक 2 मिनिट परे सौरभ भारद्वाज एकई पोस्ट करें, तिनिओ दाबी करें ईडी हाना देबे मुख्यमंत्री केजरीवाल बाड़ीते एवं ताके ग्रेप्तार करते पारे। অন্যদিকে বিজেপির তরফে কেজরিওয়ালের বারংবার সমন এড়ানো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বিজেপির তরফে প্রশ্ন করা হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এত কিসের ভয়, উনি কি মনীষ সিসোদিয়া এবং সঞ্জয় সিংকে একা ছেড়ে দিলেন যারা আবগারি দুর্নীতিতে জেল খাচ্ছেন। ইডি সমন না এড়িয়ে কেজরিওয়ালের উচিত ইন্ডিয়া জোটের বাকি নেতাদের জন্য দুর্নীতির শিক্ষা নেওয়ার, যাতে তারা একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ হতে পারে। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर लें ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सर, ये खबर कहाँ से आई कि आज कहाँ से बैठ हो रही है, ये कहाँ से खबर आपको देखिए? और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है ईडी की तरफ से। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले, अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो पहले सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हरेक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना चाहिए। ईडी कह रही है कि अफवाह है, ईडी कह रही है कि अफवाह है, आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी भी आपको कहां से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर। और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी, तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र है, कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम सब उसका जवाब देंगे। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा कहा जा रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं लगातार। सर, उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सवालों का जवाब नहीं, और आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए,
पहले बीजेपी इस सवाल का जवाब दे दे कि इतने उनके इतने जो बड़े दिग्गज नेता हैं, छगन भुजबल है, सुवेंदु अधिकारी है, हेमंत बिश्वा शर्मा है, इन लोगों पर समन्स तक जारी नहीं होता। बड़े बड़े आरोप, बड़े बड़े स्टिंग वीडियोस बीजेपी ने खुद आरोप लगाए हैं। 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया है सबकी सबसे बड़े करप्ट पार्टी का एनसीपी के ऊपर, उनकी पार्टी के साथ अलायंस करके उनके आधे नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे हैं उनको आपने कैबिनेट में शामिल कर दिया। तो भाग कौन रहा इन्वेस्टिगेशन से और कौन इन्वेस्टिगेशन का सामना करने के लिए तैयार है वो मेरे ख्याल से देश बखूबी जानता है। आज बीजेपी से ज्यादा बेशर्म और जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है करप्शन पे बात करने वाली ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और मैं कहूंगा कि ईडी की भी क्रेडिबिलिटी पे आज बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि केवल और केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी के सारे छापे होते हैं, अरेस्ट होते हैं, समन्स होते हैं। और इस वाला जो कथित शराब घोटाला है उसकी तो आप ये बात सब जानते हैं कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे ख्याल से इतिहास, देश का इतिहास में ये पहला केस होगा कि एक रुपए तक की आपकी रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत नहीं मिला है, फिर भी आप सारे जो नेता हो और पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल रहे हो। मतलब साफ है आपको आम आदमी पार्टी को खत्म करना है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है। थैंक यू। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে।